और आपका इतना बुरा हाल है इस एक्सपीरियंस फील्ड कैसा रहा है, जो आपने कोचिंग लगाई थी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? सर। सही बताऊं तो पहले तो सब सही लगता है, क्योंकि जब बच्चे को कुछ नहीं पता होता ना, तो आप वो जो बताएंगे वो ही सही लगेगा। पर अब जैसे सब पता लग गया है, तो सही बताऊं तो कोचिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सर। बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। एक 18 महीने कोचिंग थी सर मेरी, और 18 महीने ना कहाँ चले जाते हैं नहीं पता लगता। उस पीरियड पे तो आप पढ़ नहीं सकते। जैसे सर आपकी ऐप है, उसमें आपने सारे दिए हुए हैं, इकोनॉमी वो ए हिस्ट्री हो गया उसमें, ज्योग्राफी हो गया उसमें, तो हमारी मर्जी हम कभी भी पढ़ें अपने टाइम से। और वहां पे ऐसा नहीं होता ना सर, बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब करते हैं, और कुछ नहीं आता उनका। सही बताऊं ना, कुछ नहीं आता हिस्ट्री में, तो बिल्कुल नहीं आता उन। वो अच्छा सर इतने कोचिंग इतनी खराब है ना, उन्हें बताना चाहिए कि आप ये ना मेंस की ही है खाली, और सर अगर प्रीलिम्स में ना हो तो मेंस का क्या करेंगे हम। सही बात है। ये होना चाहिए ना, उन्हें बताना तो चाहिए। अब हम तो ऐसे ही चले गए थे, अब जब ये लॉकडाउन हुआ है सब घर पे आ गए हैं, फ्रेंड्स वगैरह हम सब। अब हमने सोचा बैठ के कि नहीं अब करना है, कोचिंग के भरोसे नहीं रहना, अब तो करना ही है। तो सर फिर इसलिए मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, आप मैंने फिर सजेस्ट किया था आपकी ऐप के लिए, तो वो भी है। फिर वो न्यूज़पेपर भी देखने लग गए थे शुरू से। तो फिर मैंने अच्छा कहा सर सही, अब मैं करती भी नहीं कोचिंग, अब मेरी बची भी है थोड़ी बहुत क्लासेस अच्छा तो यहाँ मतलब पे, तो आपका आपको एक एम घंटा एकेडमी लग बेटर रहा लग है। रहा है ना वहां से? तो यस सर, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारी मर्जी हम कभी भी देखें जब भी टाइम हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है हमारी और अगर नहीं भी हुआ, जैसे एक दिन नहीं हुआ, एक दिन छोड़ के कर लो आप, रिविजन कर लो पिछला, वहां पे नहीं आ होता और था जो क्वालिटी कंटेंट है वो भी अच्छा लग रहा है आपको? सर। बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने देख लिया ना, मैंने एनसीईआरटी देखी है, मैंने और स्टैंडर्ड बुक्स देखी है, और बुक्स देखी है अपनी दृष्टि की देखी है, सब में ना ऐसा लगता है आपने ना सारा पढ़ा है, सारा कुछ निचोड़ के दे दिया हमें, ऐसा लगता है सर सच्ची में। और वेबसाइट जो होती है, जो जो अपडेट होती है सब है, कुछ अलग से मुझे नहीं लगता कि करने की जरूरत है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री, वो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें से सारे क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि मैंने दिया है ना इस बार सर। और पॉलिटी से सारे क्वेश्चन थे, सारे वाह, क्वेश्चन थे पॉलिटी से। और सर आपकी ऐप की सबसे अच्छी बात है पर्सनल जो मीटिंग होती है ये। सर मैं कोचिंग कर रही थी ना, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं टीचर से जाके बात कर लूं, बहुत कंफ्यूजन होता था वहां भी, ऐसा नहीं है, बट हाँ यहाँ पे तो हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। हर कोई सही ऐसा नहीं होता कि जाके ना बोल दे, बात है। वहां पे 2-2 हज़ार बच्चे होते हैं, नहीं हाँ मन करता था जाने वही, का। और पूछने में भी थोड़ा हिचकिचाहट होती है डायरेक्टली पूछने में, कि हमारा यस सर, सवाल जो है होती है। वो सही में जेन्युइन है या फिर हम बेवकूफी वाले सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा किसी को लग जाता है एस्पिरेंट्स को, लेकिन वैसा नहीं रहना बहुत चाहिए। मजाक होती है वहां पे, हाँ वही, वहां पे इसलिए बहुत मजाक मैंने होती है। ऐसा इसलिए मैंने ये किया था। पहले हमने ये सोचा था, पहले जो हमारा इनिशियल ये था टीम का, वो ये था कि हम सबको साथ में लेके डाउट सेशन करेंगे, लेकिन फिर मैंने ऐसा सोचा कि क्या होता है कभी कभार आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते हो, तो उसमें क्या होता है फिर कि जब अलग अलग, अब कोई और इंसान यहाँ पे है, कोई और एस्पिरेंट है, उसने कोई अगर बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो सकता है किसी और का मोरल डाउन हो जाए कि यार इसने तो इतना पढ़ लिया, इसको तो ये डाउट आ रहा है, मेरे तो ऐसे ही डाउट है, ऐसा हो जाता है। इसलिए मैंने बोला पर्सनल यस सेशन जो रहेगा इसमें आपको जो भी डाउट्स है आप बिंदास पूछ सकते हो, इसमें हमारे बीच में ही बात रहती यस है। अनलेस मतलब ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे क्या होता है किसी को, अभी जैसे आपने एक्सपीरियंस शेयर किया तो हो सकता है किसी और को बेनिफिट मिले, तो यूट्यूब पे इसलिए हम डालते हैं कि जिससे कि बहुत सारे एस्पिरेंट को बेनिफिट मिले, जैसे कि अभी आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया है तो उससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है।